मैं और मेरी सहेली, हमारे घर से 5 मिनट का रास्ता है, ये दूसरी कॉलोनी है, वहाँ पे गए हुए थे। वहाँ पे नवरात्रे पे पंडाल लगा रखा है, तो काफ़ी अच्छा डेकोरेशन कर रखा है पूरे रास्ते का। और हम दोनों उसके साथ स्कूटी में गई, मेरी फ्रेंड स्कूटी उसकी है तो मैं उसी के साथ जाती हूँ। तो अभी अंदर तो जाके देखते हैं अंदर क्या क्या है। और ये मेन एंट्री गेट है, काफ़ी अच्छा डेकोरेशन किया हुआ है। पंडाल में काफी सारे लोग बैठे हुए हैं जो ये आसपास के कॉलोनी के हैं, तो सारे लोग यहाँ पे जो आगे गरबा कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, तो हम लोग भी इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा है। और देहरादून में मैं पहली बार ऐसे नवरात्रे के पंडाल में गई हूँ जो कि इतने अच्छे ढंग से सजाया गया है। वैसे यहाँ पे ज़्यादा नहीं होता है ये पंडाल का देहरादून में, ये बड़े बड़े शहरों में होता है, पर बहुत ही अच्छा डेकोरेशन किया हुआ था अंदर अंदर भी उन्होंने पूरे स्टेज का। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अब पंडाल धीरे धीरे खाली हो चुका है, लोग अपने घर को चले गए हैं। यहाँ पे परफॉर्मेंस 7:30 बजे से शुरू हो जाता है तो 9:30 बजे तक लगभग ख़त्म हो जाता है, तो सारे लोग जा चुके हैं, कुछ कुछ लोग बचे हुए वहाँ पे, और हम लोग भी घर जा रहे हैं। और बाहर में छोटे छोटे स्टॉल भी लगे हुए हैं, तो काफ़ी सुंदर स्टॉल लगे हुए हैं घर के बाहर। और ये देखिए कितनी चीज़ें रखी हुई हैं इन्होंने, छोटी मोटी चीज़ें। और सामने पे एक गमले वाला भी है जो मिट्टी के गमले हैं, उन पे अच्छे से पेंटिंग कर रखी है, तो वो दिखने में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। गुल्लक भी हैं और गमले हैं छोटे छोटे। और हम दोनों अब घर के लिए जा रहे हैं, तो यहाँ पे अभी 9:30 बज चुके हैं, तो मैं यहाँ पे वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही हूँ क्योंकि पीछे से गाने बज रहे हैं तो कॉपीराइट क्लेम का डर रहता है, इसलिए मैंने पूरे वीडियो में वॉइस रिकॉर्डिंग दे रखी है। तो वॉइस रिकॉर्डिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, जो सामने से बोला जाता है वो बहुत ही अच्छे तरीके से बोला जाता है, वॉइस रिकॉर्डिंग में बहुत चीज़ें देखनी पड़ती है उसमें, तो मैंने पूरी वीडियो वॉइस रिकॉर्डिंग ही दे रखी है क्योंकि बैकग्राउंड में म्यूज़िक चल रहा था, वो सारे कॉपीराइट क्लेम में आ सकता था, तो ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है।